हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पन्ना कोटा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। दो पका हुआ आम लिया है, आम को अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। आम को छील लेंगे, दोनों आम का छिलका हटा लिया है, मिक्सी जार ले लिया है, कट लगा लेंगे आम में। दो बड़े चम्मच शुगर पाउडर, मिक्सी जार का ढक्कन लगा के स्मूथ होने तक ब्लेंड कर लेंगे। आम के पीसेस को पीस के बिल्कुल स्मूथ प्यूरी तैयार कर लिया है। एक बाउल ले लिया है, हाफ टेबल स्पून जिलेटिन पाउडर, 1/4 कप गर्म पानी, मिक्स कर लेंगे। जिलेटिन को डिज़ोल्व होने तक मिक्स करेंगे गर्म पानी के साथ। जिलेटिन पाउडर गर्म पानी में अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है, मैंगो प्यूरी लेंगे, थोड़ा सा जिलेटिन वाले मिश्रण में डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंगो प्यूरी ले लिया है, जिलेटिन वाला मैंगो प्यूरी डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक ग्लास ले लिया है, मैंगो प्यूरी ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पे 3 छोटे छोटे ग्लास ले ली हूँ। ये मैंने केक टिन लिया है, इसके अंदर मैंने कपड़ा डाल लिया है ताकि ग्लास को अच्छे से सेट कर सकूँ। जिलेटिन वाला मैंगो प्यूरी ग्लासों में डाल लेंगे। तीनों ग्लास में जिलेटिन मिक्स किया मैंगो प्यूरी डाल लिया है। 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। एक पैन ले लिया है, हाफ कप दूध, हाफ कप व्हिपिंग क्रीम, 2 बड़े चम्मच चीनी, गैस अभी मैंने ऑन नहीं किया है। बाउल ले लिया है, 1 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर, पानी ले लिया है गरम, मिक्स कर लेंगे। दूध में डाल लेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, गैस ऑन कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। एक उबाल आने देंगे, उबाल आने लग गया है दूध में, गैस को ऑफ कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। मैंगो वाला लेयर हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब इसमें दूध डाल लेंगे, अब ग्लास को सीधा रख लेंगे, फिर से 3 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। हमारा मैंगो पन्ना कोटा सेट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से सेट हुआ है, आपको मैं दिखा रही हूँ चारों तरफ से। थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, यहाँ पे मिंट लीव्स लिया है। थोड़े से आम के कटे हुए पीस, चेरी, हमारा मैंगो पन्ना कोटा बनके बिल्कुल रेडी है। आप भी इस तरीके से एक बार मैंगो पन्ना कोटा जरूर ट्राई कीजिए, आपको मैं दिखाती हूँ इसे निकाल के। काफ़ी अच्छा बना है इसका टेक्सचर। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।